हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो लेक्चर में रिवाइज करेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी मददगार साबित होगा कि आप शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। 5 दिनों का गैप है हमारे एग्जाम में, ठीक है, फ्रूटफुल रहेगा। उतने गैप में आप आराम से सारे चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उसी पर्सपेक्टिव से रिवीजन सीरीज बनाई गई है। देखिए यहां पे, तो ये जो चैप्टर है हमारा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो पहले चैप्टर में आपने डेवलपमेंट से जुड़ी कुछ बातें पढ़ी समझी। अब इस चैप्टर में हम इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। अब इंडियन इकोनॉमी को अगर छोड़ते हैं, हम इन जनरल इकोनॉमी पकड़ते हैं, तो इकोनॉमी में बेसिकली हर जगह 3 सेक्टर होते हैं। सिर्फ हमें वो 3 सेक्टर ही नहीं पढ़ना है, जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है, सबको पता है। हम क्या करेंगे इस साल हम उन 3 सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशंस को समझने वाले हैं, अलग अलग इश्यूज को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि क्या है आखिर, ठीक है, ये जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं तो इनका कैसे इंटर रिलेशन है, इंडिया के केस में क्या कंटेक्स्ट है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अभी जो 3 सेक्टर्स होते हैं, तो इन 3 सेक्टर में देखो, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, और जो टर्शरी सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये 3 सेक्टर्स हो गए अब हमारे। अब आपने अगर नोटिस किया होगा तो प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जा रहा है तो सिर्फ यूं ही नहीं कहा जा रहा है, जैसे आपका नाम चिंटू रख दिया तो चिंटू यूं ही रख दिया था, लेकिन आप यहां पे प्राइमरी सेक्टर के पीछे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर नाम दिया है तो उसके पीछे कारण है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर फॉर्म्स द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट्स। जैसे आप प्रोडक्ट में कुछ भी खा रहे हैं, आप जैम, ठीक है, केचप खा रहे हैं, जैम खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, आपको प्रोडक्ट की तरह मिल रही है, आप दुकान पर जाके खरीद रहे हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लगे होंगे ना, टमाटर लगा होगा, सेब लगे होंगे, तो ये सारी चीजें कहां से आएगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर से आएगी, तो इसे इसीलिए प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइमरी यूनिट होता है। अगर हम इकोनॉमी में देखते हैं जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन में जो बेस बनता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर से आते हैं, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या समझोगे, तो एग्जाम्पल के लिए आपके लिए सबसे सीधी सी चीज, जैसे हम बताएं आपको केचप बनाया है, तो केचप प्रोडक्ट बना, आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, वो देखेंगे अभी इंडस्ट्री में बन रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के जो टमाटोज लगे थे वो कहां से मिले थे आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो ये उसका एग्जांपल होगा, ये प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जब आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें आप प्राइमरी सेक्टर से कुछ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उनका फॉर्म बदल दे रहे हैं, उनका शेप बदल दे रहे हैं, उनका साइज बदल दे रहे हैं, उनका क्या कह सकते हैं कि नेचर बदल दे रहे हैं, और उनको एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। और ये सब कैसे, ऐसा जादू से नहीं बन रहा है, ये आप इंडस्ट्रीज के अंदर बना रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी नई चीज की, तो इस सेंस में इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, ठीक है, इस सेंस में इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल में वही चीज कि आप जब टमाटोज को लेकर केचप बनाते हो आपकी इंडस्ट्री में, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सर्विस सेक्टर। तीसरी चीज जो है तो वो है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अब टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है वो समझते हैं। तो इट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की ग्रोथ के लिए टर्शरी सेक्टर यानी सर्विसेस चाहिए रहती है। ये टमाटर उठकर यहां अपने आप खुद नहीं जाएगा इंडस्ट्रीज तक, उसके पैर नहीं निकल के आएंगे, उस टमाटर को आप आपके सिर पर रख के भी नहीं ले जाओगे। क्या होता है, ट्रक आता है, ट्रक में आप सारे टमाटोज डाल देते हैं, और उन टमाटोज को कहां एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक। तो आप देखो, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों के बीच में रिलेशन अगर किसी ने एस्टैब्लिश करी है तो वो है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर। तो जितनी भी सर्विसेज आती हैं, अब देखो जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की आएगी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में जैसे टीचर, एक टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना प्राइमरी सेक्टर में, ना वो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे टीचर, डॉक्टर, पुलिसमैन, लॉयर्स, ठीक है, तो सारे लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और सब डिविजन अगर आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो टर्शरी में भी क्वार्टनरी पार्ट हो जाता है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यह सर्विस सेक्टर हो गया।
इस तरह से क्या है कि ये तीन मेजर सेक्टर है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये तीन सेक्टर होते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब क्या होता है अगर हम, नहीं एक चीज छूट गई अभी हमारी, क्या कि ऑल दी थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो अभी मैंने आपको बताया टमाटो नहीं होगा कैचअप नहीं बनेगा, और सर्विस सेक्टर नहीं होगी तो टमाटो वहां से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक नहीं जाएगा। आया ना समझ में? तो ऑल दी थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। आपकी बुक में जो बिस्किट वाला एग्जांपल दिया आप उसे भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। तो ये हमने बताया आपको कि कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आगे क्या है, हाउ टू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब देखो एक और चीज है, हमने आपसे बोल दिया कि तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स में प्रोडक्शन होता है, खूब बम्पर प्रोडक्शन होता है। अब लेकिन सवाल ये भी, आप जोड़ोगे कैसे कि किस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ? आप ऐसे नहीं बोल सकते हो ना कि चार कार प्रोड्यूस हुई है और 1000 नेल्स प्रोड्यूस हुई है, खिल्लियां प्रोड्यूस हुई है। तो अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी में तो नेल्स जो खिल्लियां हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिख रही है 1000, और कार चार ही दिख रही है, लेकिन वैल्यू में देखोगे तो कार महंगी होती है, खिल्लियां सस्ती होती है। और आप वैसे ही प्राइमरी में आप देखोगे तो अनाज के दाने हैं, गेहूं के दाने, तो गेहूं के दानों को आप अगर एक एक काउंट करोगे तो करोड़ों में प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि आप नंबर्स पे काउंट नहीं कर सकते हो कि किस सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, लेकिन काउंट तो करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा ना कौन सा सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, किस सेक्टर में इकोनॉमी में ज्यादा पैसा है, किस सेक्टर में पैसा नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाउ टू काउंट दी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वी आर एडिंग वैल्यूज रेदर देन गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस प्रोड्यूस पार्ट की वैल्यूज को ऐड करते हैं। वैल्यूज को कैसे, जैसे चार कार्स प्रोड्यूस हुई है, एक कार की कीमत 10 लाख है, तो चार कार यानी 40 लाख। तो उस तरह से क्या है, हम देखेंगे कि 40 लाख का प्रोडक्शन हुआ है कहां पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोड्यूस हुई है ना कार। कार आपने पेड़ पे थोड़ी ना उगाई थी, प्राइमरी में नहीं आएगी वो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम क्या बोल सकते हैं कि चार कार प्रोड्यूस हुई है अगर हमारी कंट्री में, तो 40 लाख का टर्नओवर हो गया ऐसे, ठीक है। तो वी आर एडिंग वैल्यूज, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में हम उसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। अब देखो एक चीज और है, क्या कि जब भी आप क्या कर रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि किस सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो उस समय पे आपको एक चीज ध्यान रखना होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, पहले जीडीपी समझा देता हूं फिर रिलेट करवाऊंगा, आसान रहेगा। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ईयर कंट्री नोन एज जीडीपी। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीन शब्द है, ग्रॉस मतलब सारा, नेट बोल रहा हूं, टैक्स वगैरह सब इंक्लूड करके, ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्या होता है, तो जो हमारी कंट्री की टेरिटरी है उसके अंदर जो भी रहेगा डोमेस्टिक, उसके बाहर जो भी रहेगा फॉरेन, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब आपकी कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी बनेगा। आपने अधिकतर न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुना होगा कि हमारी जीडीपी में उतार देखने को मिल रही है, जीडीपी में चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव मतलब अप्स एंड डाउन्स वाले नहीं है, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात की जाती है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अंडरलाइन दी वर्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर एक कहानी छुपी है, क्या है बताते हैं। देखो तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें आप क्या कर रहे हो, उन्हें ऐड जब करते हो कहां पे, तीनों सेक्टर में, प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक स्पेसिफिक ईयर में, इन अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन इन कंट्री नोन एज जीडीपी। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाता है कंट्री का, जो क्या किस नाम से जाना जाता है, जो जीडीपी के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। एक चीज समझना अब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों, तो देखो जब आप क्या करते हो इस तरह से काउंट करते हो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन योर कंट्री, तो उस समय पे जब आप काउंट करते हो तो आपको एक प्रिकॉशन लेना रहता है। जब आप जीडीपी काउंट कर रहे होते हो तब आपको एक प्रिकॉशन लेना होता है, क्या प्रिकॉशन लेना होता है वो मैं बताता हूँ। देखो तो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से इंक्लूडेड होती है, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेना रहती है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो अब हम क्या बोलते हैं कि जीडीपी में हम सारे तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहां से मिलेंगे आपको, यहां से मिलेंगे। मान लीजिए क्या होता है, जैसे हमने देखा टोमेटो वाला एग्जाम्पल ही लेते हैं कि टोमेटो प्रोड्यूस होते हैं 10 रुपए के, टोमेटो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, 10 रुपीज।
₹10 के टोमेटो प्रोड्यूस होते हैं। अब वो टोमेटो क्या करेंगे, वो टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला, ठीक है, कोई किसान केचप वाला आएगा और वो ले जाएगा कहाँ पे, अपनी इंडस्ट्री में, ठीक, अपनी इंडस्ट्री में ले जाएगा। तो वो जब आपको, आप किसान हो, ठीक है, लेकिन आपसे किसान केचप कंपनी वाला ले जाएगा टोमेटोस, तो आपसे जब वो लेने आएगा तो आपको ₹10 दे देगा, ठीक है, आपको ₹10 दिए उसने, आपने उसे टोमेटोस दे दिए सारे। अब वो अपने इंडस्ट्री में क्या करेगा, उन टोमेटोस से केचप बना लेगा, केचप बना के वो कितने में बेचेगा, ₹20 में बेचेगा, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब वो क्या करेगा, ₹20 में बेचेगा, ठीक है। अब आप कस्टमर हो, आप, ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, आप किसान हो, मैं कस्टमर बन जाता हूँ। अब जब मैं लेने जाऊँगा तो ₹20 में अगर बनाया है उसने, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो 20 में ही बेच देगा, और मैं लेने किससे जाऊँगा, मैं एक शॉपकीपर से लेने जाऊँगा ना, सीधे इंडस्ट्री थोड़ी ना पहुँच जाऊँगा मैं, तो मैं शॉपकीपर के पास जाऊँगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये ₹20 का प्रोडक्ट शॉपकीपर ने अपनी दुकान पे लाया ₹20 में, और शॉपकीपर इसे 25 में बेचेगा। शॉपकीपर कोई चैरिटी करने तो बैठा नहीं है, वो भी पैसे लेगा, ठीक है। तो अब जब फाइनली आप जाओगे या फिर मैं जाऊंगा कस्टमर बनके, अब जब हम कस्टमर बनके लेने जाएंगे प्रोडक्ट, तो क्या होगा, हमें कितने में मिलेगा, 25 में मिलेगा। अब देखो क्या है, अगर हम बात करें कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड कर दो, आप ₹10 के टोमेटोस को भी ऐड कर दो, ₹20 के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब 20 में बेचा था तो वो भी ऐड कर दोगे, आप बोल दोगे कि ये प्राइमरी सेक्टर का इतना प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी का इतना प्रोडक्शन हुआ और टर्शरी का इतना प्रोडक्शन हुआ, तीनों ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 20, 10, 30, 40, 50 और 55 हो गया। लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर ने जो कष्ट से मर रहा है उसने पैसे कितने दिए, उसने तो ₹25 दिए। तो आप इकोनॉमी को दिखा रहे हो ₹55 की, लेकिन एक्चुअली हो कितना का ट्रांजेक्शन रहा है, ₹25 का। तो यहां पे क्या होता है, देखो हम इसीलिए बोलते हैं कि जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड, ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जब कैचअप बिक रहा है पैकेट में बंद होकर शॉपकीपर लालाजी के पास आप लेने जाओगे, लालाजी जब मुस्कुरा के देंगे आपको कैचअप, तो उस कैचअप की ही गुड्स वैल्यू को क्या करना, इंक्लूड करना है इन कैलकुलेशन, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो जब कैचअप बन रहा था तो प्रोसेस में जो जो गुड्स लगे हैं, तो जैसे ₹10 तो पहले इंक्लूड कर लिए ना, ये ₹10 का हिसाब किताब किसान कैचअप वाले ने पहले ही कर लिया, उन्होंने ₹20 में इसीलिए बेचा, ₹10 उनकी कमाई है और ₹10 उन्होंने जो कॉस्ट लगाई थी, आया ना समझ में। लाला जी ने 25 में क्यों बेचा है, क्योंकि उन्हें पता है 20 तो उन्होंने इंडस्ट्री वाले को दे दिए है। तो जब प्रोडक्ट कुछ भी बनता है तो उसके अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स रहते हैं उसकी कॉस्ट फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। इस सेंस में कहा गया है कि जब भी आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशन, क्या प्रिकॉशन लेना होगा, और प्रिकॉशन ये लेना होगा कि सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही ऐड किया जाए। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। दिस विल लीड टू प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, और आप इंक्लूड कर लोगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, जैसे मैंने दिखाया आपको कि ₹10 ऑलरेडी 20 वाले प्रोडक्ट में इंक्लूडेड थे लेकिन आप फिर से ऐड कर रहे हो, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये चीजें जीडीपी भी बता दी हमने, आई होप आपको समझ में आया कि तीनों सेक्टर्स को कैसे कंपेयर करेंगे, आप वैल्यूज के बेसिस पे करोगे ना कि आइटम्स के बेसिस पे करोगे। अगली चीज, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, हिस्टोरिकल चेंज क्या देखने को मिला सेक्टर्स में। देखो ये तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर में अगर हम देखें तो शुरुआती दौर क्या था, किसी भी कंट्री का जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो शुरुआत में सारे कंट्री के लोग क्या कर रहे होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, अधिकतर खेती वगैरह करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नेचर बदलता है फार्मिंग का, चेंजिंग नेचर ऑफ फार्मिंग। चेंजिंग नेचर ऑफ फार्मिंग में क्या है कि खेती का जो तरीका है वो बदल रहा है, हम देख रहे हैं मैकेनाइज होते जा रही है चीजें, प्रोडक्शन जो हो रहा है तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है कि ज्यादा बंपर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जब गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो सारा खा लेते हैं, आज चार रोटी ज्यादा खा लेंगे ज्यादा बन गई है, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से खाओगे ना। तो जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ है, जो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आप जब उसे स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए वेयरहाउस लगेगा आपको, ऐसा थोड़ी ना कि जेब में डाल के घूमोगे, चलो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ जेब में डाल लेते हैं। आपको उसे स्टोर करने के लिए क्या लगेंगे, सर्विसेज लगेगी तरह तरह की, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, स्टोर करने के लिए वेयरहाउस बनवाने पड़ेंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो पहले शुरुआत में कोर प्राइमरी सेक्टर होता था कि लोग प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, मस्त आराम से रहते थे, लेकिन अब उसमें क्या होता जा रहा है, एक्सेस प्रोडक्शन और इन सारी चीजों के चलते चीजें कॉम्प्लिकेट होते जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही है, और जब चीजें बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेट होते जा रही है, तो उसके चलते वो दूसरे प्राइमरी सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहा है, ठीक है।
अब ये प्राइमरी सेक्टर से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर पे आती है चीजें। सेकेंडरी सेक्टर पे कैसे आती है, तो सेकेंडरी सेक्टर में देखो ये शिफ्ट देखने को मिला कि पहले प्राइमरी सेक्टर जहां डोमिनेटिंग था ये एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, तो इस एक्सेस प्रोडक्शन के कारण क्या होगा कि अब एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, या फिर कह सकते हैं कि खेती में अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार काफी टाइम फ्री रहते हैं, तो इंडस्ट्रीज वगैरह जब होना स्टार्ट हो गई, मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू फैक्ट्रीज, तो लोग मूव कर गए, लोगों ने प्राइमरी सेक्टर से काम छोड़ छोड़ के सेकेंडरी सेक्टर में, जैसे हम अगर देखेंगे तो हमारी पहले 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर होल कंट्री वाज लिविंग इनटू द विलेजेस। शुरुआती दौर में 85% भारत गांव में रहता था पहले, अब लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गांव से माइग्रेट करके किधर आ गए, नाइन्थ क्लास इकोनॉमिक्स में पढ़ा आपने, तो लोग गांव से माइग्रेट कर करके कहां आ गए, अब शहरों की तरफ आ गए, तो मूवमेंट ऑफ पीपल इनटू फैक्ट्रीज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। हिस्टोरिकल चेंज समझना है आपको, नरेटिव समझो, प्राइमरी सेक्टर जो डोमिनेट करता था, विद द एफ्लेक्स ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदलती हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर स्टार्टेड गेटिंग मोर अटेंशन, ठीक है, इससे ज्यादा अटेंशन मिलने लगा। फिर ये सेकेंडरी सेक्टर से एक और शिफ्ट क्या देखने को मिलता है, अनदर शिफ्ट विच इज बिंग ऑब्जर्व इज इन टर्शरी सेक्टर, ठीक है, वॉट इज द चेंज विच इज बिंग ऑब्जर्व इन टर्शरी सेक्टर, तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो एज द कंट्रीज स्टार्टेड डेवलपिंग, जैसे जैसे विकास होने लगा देशों का, तो देशों में क्या होने लगा कि सर्विसेज बढ़ने लगी, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, तो आज आप देखोगे खेती किसानी करने वाला इंसान भी आईटी से जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट हो रही है, उनके खाते में पैसे डिजिटली आ रहे हैं, सारी चीजें, तो यहां पे वही चीज बताई गई है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो हुआ, तो उसकी ग्रोथ के लिए सप्लीमेंटिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस और बढ़ते चलेगी, तो स्लोली एंड स्टेडली टर्शरी सेक्टर एक डोमिनेटिंग सेक्टर की तरह दिखने लगा हमें, ठीक है। अब सिचुएशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की सिचुएशन हम इंडिया में समझते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है इन तीनों सेक्टर की। चलो इंडिया का सिचुएशन क्या देखते हैं, तो ये ग्राफ से समझ में आ जाएगा आपको कि हमारी ये टोटल जीडीपी है, देखो ये कब का है, ये है 1973-74 में हमारी जीडीपी ये थी, ठीक है, तो यहाँ पे 500,000 करोड़ की हमारी उस समय पे क्या थी जीडीपी, 500,000 करोड़ की जीडीपी थी उस समय पे, और कंट्रीब्यूशन कैसा था, तो ब्लू कलर इज फॉर प्राइमरी, तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, फिर सेकेंडरी का कम और फिर टर्शरी का। अब 2013-14 में अगर सिचुएशन देखते हो तो हमारी जीडीपी नो डाउट बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई, अब ये 55,000 करोड़, ठीक है, 55,000 करोड़ में आ गई है। अब क्या हो रहा है, तो 55,000 करोड़ की हमारी जीडीपी बन गई, या फिर आप इसे कह सकते हो 5,500,000, ठीक है, 5,500,000 करोड़ की हमारी जीडीपी हो गई है, तो जीडीपी तो काफी बढ़ी है, लेकिन आप देखोगे अगर शेयर, तो अब शेयर सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का सेकेंड नंबर पे है, और प्राइमरी जो पहले डोमिनेट करती थी उसका सबसे कम क्या है, शेयर है हमारी जीडीपी में। जीडीपी क्या होती है, तीनों सेक्टर्स का सम अप, तो तीनों सेक्टर का जब सम अप करते हो सबसे ज्यादा कौन सम दे रहा है, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अब देखो समझने वाली एक चीज ये है कि ग्रोथ तो हुई है, नो डाउट कंट्री ग्रो कर गया, लेकिन और ऐसे देखोगे तो पहले प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस होता था, जैसे कहा जाए तो 100,000 ही होगा, लेकिन वो भी बढ़ गया, वो 1 मिलियन के आसपास पहुंच गया है, लेकिन हमें देखना क्या है कि जिस स्पीड से टर्शरी बढ़ा उस स्पीड से प्राइमरी नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, इंडिया में सिचुएशन उलट पुलट हुई है पूरी, ठीक है, जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, यह समझ में। अब यहां पर क्या बताया गया, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंट में, परसेंट में अगर शेयर देखोगे तो परसेंट में पहले प्राइमरी सेक्टर 40% कंट्रीब्यूट करता था, 10% सेकेंडरी सेक्टर करता था, ठीक है, और 50% कौन और 50 से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो ये सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन आज अगर आप परसेंट में कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आज प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन परसेंट में 10% 12% ही रह गया है बस, तो बढ़ने की जगह क्या हो गया, कम हो गया है। सेकेंडरी का नो डाउट परसेंटेज बढ़ा है जीडीपी में, और टर्शरी का तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, छलांग मार गया ये। तो अब हमें समझना यह है कि अगर इंडिया की बात की जाए, ठीक है, सिचुएशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया, तो आप क्या देखोगे, टर्शरी सेक्टर इज फ्लरिशिंग, बहुत फ्लरिश कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए था उस स्पीड से बढ़ा नहीं है। अभी एक चीज और आपको परेशान कर देगी, सेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई है लेकिन जो एम्प्लॉयड देखेंगे, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट अगर कोई सा सेक्टर प्रोवाइड करता है तो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। अब ये विडंबना है, ठीक है, ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं वहां पैसा कम है, जहां कम लोग काम कर रहे हैं वहां पैसा ज्यादा है, इसको कैसे ओवरकम किया जाए,
तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया में देखते हैं राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। सवाल ये भी आता है कि टर्शियरी सेक्टर इतना बड़ा क्यों है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से ये बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा सीधा यही आएगा, व्हाट आर दी डिफरेंट फैक्टर्स ड्यू टू विच टर्शियरी सेक्टर हैज ग्रोन स्टेडिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत स्पीड से क्यों बढ़ गया टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ के कारण बताओ। तो टर्शियरी सेक्टर पे एक क्वेश्चन आपका तय है सीधा आना, ठीक। अब कारण समझो, चार पॉइंट में हम इसे समझेंगे कि सेवरल सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज, कुछ सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती है जैसे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को उठाना ही पड़ती है, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट को देना पड़ेंगे, एजुकेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पुलिस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगी पुलिसिंग सर्विसेज। तो उसके चलते अब जब ये सारी चीजें सर्विस में आती है और हॉस्पिटल्स भी सर्विस में आएंगे, एजुकेशन भी, पुलिस भी, तो बेसिक सर्विसेज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट को उनके अंदर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, इस सेंस में टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ होती है, एक कारण। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अब देखो क्या होता है, आपने देखा है अजय देवगन की एक मूवी है जिसमें वो बाइक दोनों दो बाइक के ऊपर पैर रख के चलता है, ठीक। अब सोचो जरा, वो दोनों बाइक की हाइट बढ़ेगी तो अजय देवगन की हाइट भी अपने आप बढ़ेगी ऊपर, क्यों, क्योंकि अजय देवगन ऊपर है, ठीक है। वही चीज यहां पे हो रही है कि ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी, और इनके ऊपर एक एक पैर रख के खड़ा है कौन, इनके ऊपर एक एक पैर रख के खड़ा है टर्शियरी सेक्टर। तो अब दिखती बात है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शियरी सेक्टर अपने आप ग्रो करेगा, दोनों को इंटरलिंक करे हुए ना, तो ये एक कारण है कि व्हाई टर्शियरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, विद द राइज इन इनकम लेवल सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, ठीक है। अब क्या है कि हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, ठीक है, तो लोगों की इनकम लेवल भी बढ़ी है, लोगों के पास पैसा भी आया, और जैसे जैसे आदमी के पास पैसा आते जाता है तो आदमी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को अफोर्ड करना चाहता है। फिर वो क्या था, जैसे आज से 50 साल पहले देखेंगे तो मेड्स वाला सिस्टम बहुत कम होता था, घर के काम खुद महिलाएं खुद ही करती थी, लेकिन अब क्या होता है, जब पैसा आने लगता है इंसान के पास में सोचता है कि यार घर के काम के लिए एक मेड रख लेते हैं, ठीक है, खाना घर पे नहीं खाते हैं, बाहर खा लेंगे। तो विद द राइज इन इनकम लेवल सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेस लाइक ईटिंग आउट, आया समझ में, और ये बाहर खाना घूमना ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरह से टर्शियरी सेक्टर का ही एग्जांपल है, सर्विसेज है, सर्विस सेक्टर है सारी, तो सर्विस सेक्टर ग्रो हो रहा है, ठीक है। चौथा कारण, ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अब ग्रो कर रही है, और हमने देखा कि आज से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब तो था ही नहीं, जैसे आपने सिविक्स में पढ़ा, रिलेट करो जरा सिविक्स से, क्या कि सिविक्स में आईटी सेक्टर जो है वो रेसिडरी लिस्ट में आता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे था ही नहीं है कुछ भी, और आज देखोगे तो आज आईटी सेक्टर के बिना कुछ नहीं है। अब जब चीजें इतनी ज्यादा जुड़ी, आप वीडियो देख पा रहे हो सब, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है, नहीं तो आप भोपाल आते फिर पढ़ना पड़ता आपको, क्लास लेना पड़ती, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी सर्विसेज ग्रो हो गई है, तो ये सारे फैक्टर्स के कारण हम क्या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सर्विस सेक्टर जो है बहुत स्पीड से ग्रो कर जाता है। हाउएवर नॉट ऑल दी सर्विसेज इज ग्रोइंग इक्वली वेल, लेकिन ये कहना सही नहीं रहेगा कि सारी सर्विसेज बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, क्यों, क्योंकि कुछ सर्विसेज जैसे कोई अगर कह सकते हैं हाथ ठेला धकाता है अगर कोई इंसान, तो ऐसा नहीं कि उसकी भी बहुत ग्रोथ हो रही है, आगे समझ में। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आगे पढ़ेंगे हम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सर्विसेज हैं तो वो उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्या कि कि जो ऐसा सेक्टर है जो चैनलाइज नहीं है, ठीक है, जो फॉर्मल वे में नहीं है, वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि सर्विस सेक्टर नो डाउट ग्रो हुआ है, लेकिन जो अलाइड ग्रुप है सर्विस सेक्टर का, ठीक है, जो सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज हैं वो ज्यादा ग्रो हुई है, ना कि पुरानी सर्विसेज जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे एक कॉबलर जो है, ठीक है, जो जूते पॉलिश करता है, तो उसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है सर्विस सेक्टर में। तो नॉट ऑल दी सर्विसेज इज ग्रोइंग आर ग्रोइंग इक्वली वेल, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है, तो वेर आर मोस्ट ऑफ दी पीपल एम्प्लॉयड, अब ये वही वाली बात आती है जो हमने अभी देखा, क्या कि सर्विस अगर जीडीपी के में कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में देखोगे तो टर्शियरी सेक्टर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जीडीपी के कंट्रीब्यूशन के अलावा अगर हम ये भी देखें कि लोग कहां कितने काम कर रहे हैं, तो वेयर आर मोस्ट ऑफ दी पीपल एम्प्लॉयड, तो लोग कहां काम कर रहे हैं उसको इस चीज से समझो, आपको एक पूरी क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी, लोग कहां काम कर रहे हैं। देखो तो 1972-73 में क्या कंट्रीब्यूशन था, 1972-73 में ये कंट्रीब्यूशन था कि हमारी कंट्री के 75% जो पॉपुलेशन थी वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थी, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर उस समय पे सबसे ज्यादा क्या करता था, जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी करता था, ठीक है, बढ़िया था। फिर 11% सेकेंडरी में और 15% टर्शियरी में। आज क्या सिचुएशन है, मतलब 2011-12 में अगर देखें
तो 49% आज भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जीडीपी के टर्म्स में देखें तो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अगर परसेंटेज में देखोगे आप तो 10-11% है। मतलब 10-11% पैसा है और कितने लोगों के बीच में बटा है 10-11% पैसा, 49% लोगों के बीच में। तो ये डिस्पैरिटी क्रिएट करती है चीजें, ठीक है। फिर अगर उसी चीज को आप सर्विस सेक्टर से रिलेट करोगे तो सर्विस सेक्टर में आज 27% लोग एंगेज्ड हैं, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आई ना समझ में, तो अनइवननेस देखने को मिल रही है, डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है एक, कि जहां पैसा है वहां लोग नहीं है, जहां लोग हैं वहां पैसा नहीं है। अब सवाल यह आ सकता है कि ये 49% लोग जब सारे लोग काम कर रहे हैं और जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, 11-12% ही कंट्रीब्यूशन है, तो या तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं समस्या क्या है, ठीक है। तो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट वर्सेस शेयर इन जीडीपी आया समझ में आपको। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, यह शब्द डराता है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयड या फिर कह लो दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझना वन मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको दिख रहा है कि इंसान क्या कर रहा है, इंसान काम कर रहा है लेकिन वो काम तो कर रहा है पर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। वेयर अ पर्सन इज सीम टू बी वर्किंग, ठीक है, उसको आप अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हो, वो काम करता हुआ दिखेगा आपको लेकिन आप क्या बोलोगे कि वो काम कर रहा है लेकिन वो पूरी हद तक काम नहीं कर पा रहा है। उससे अगर हम वहां से निकाल भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका एग्जाम्पल लक्ष्मी के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब हाँ, तो लक्ष्मी के एग्जाम्पल से ही डील करते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर। लक्ष्मी की कहानी क्या होती है तो मैं आपको पूरी नरेटिव बताता हूँ कि लक्ष्मी एक कह सकते हैं कि स्मॉल फार्मर है, ठीक है। उसके पास में 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है, मतलब जहां पे पानी का साधन क्या है, सिर्फ बरसात, ठीक है। बारिश जब होगी तब उसको पानी मिलेगा, बाकी समय पर पानी नहीं रहेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, लक्ष्मी की फैमिली के 5 लोग मिलकर उस 2 hectare की अनइरिगेटेड लैंड में क्या कर रहे हैं, खेती करते हैं। 12 महीने वो क्या करते रहते हैं, उस खेत पे काम करते रहते हैं। देखने में क्या दिख रहा है कि दे ऑल आर एम्प्लॉयड, ठीक है, सारे लोग काम कर रहे हैं, 5 मेंबर जो है फैमिली के वो काम करते हुए आपको दिख रहे हैं। बट व्हाट इज द रियलिटी, क्या वो सच में काम कर रहे हैं, नहीं। वहां पे हो क्या रहा है, डिविजन ऑफ लेबर एफर्ट देखने को मिल रही है कि उनका जो लेबर एफर्ट है, जो काम वो कर रहे हैं, तो वो डिवाइड हो गया उनके बीच में आपस में। कैसे डिवाइड हो गया उनका लेबर एफर्ट उनका ऐसे डिवाइड हो गया कि अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अब उन्हें एक तरह से देखें तो 5 लोग ये बोलेंगे कि यार काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी इंसान पूरी हद तक काम नहीं कर रहा है। अगर आप 5 में से 3 भी हटा दोगे तो 2 लोग भी काम संभाल लेंगे, आई ना समझ में। और इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट होता है इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। हिडन एम्प्लॉयमेंट कह लो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट कह लो, बात एक ही है, मतलब आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक काम नहीं कर रहे हो। ये पूछा जाता है 1 मार्क्स में भी, ध्यान रखना इस चीज को। अब सवाल ये आता है हाउ टू डील विद दिस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे किया जा सकता है। तो जैसे अब आपको इसी में एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल यह दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं आप सुखाराम का। सुखाराम एक बड़ा किसान है, सुखाराम क्या करता है कि बड़ा किसान, उसके पास ज्यादा जमीन है, तो वो लक्ष्मी के फैमिली से जो 5 थे, 5 में से 2 लोगों को अगर अपने काम पे बुला लेता है, अपने खेत पे काम पे बुला लेता है, तो क्या होगा कि लक्ष्मी के काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक काम नहीं कर रहे थे, वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट थी वहां पे। तो अब उन्हें जब आप बुला लोगे वहां से तो भी वो क्या करेंगे, तो भी 3 लोग भी काम संभाल लेंगे और 2 लोग सुखाराम की मदद कर देंगे। तो अभी जब 2 लोग सुखाराम की मदद करेंगे तो सुखाराम की मदद फ्री में नहीं करेंगे वो, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो सुखाराम पैसा देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अभी तक उनके घर में इनकम कहां से आती थी, सिर्फ फिक्स्ड 2 hectares ऑफ जो अनइरिगेटेड प्लॉट था उस पे से इनकम आती थी। अब क्या होगा, लेकिन उनकी इनकम एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी उनके पास में, एक नया सोर्स ऑफ इनकम जुड़ जाएगा उनके लिए, ठीक है, सुखाराम पैसा देगा ना। तो इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म की जा सकती है, या फिर कह सकते हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो दिख भी नहीं रही है, उसे खत्म की जा सकती है। अब इस अंडर एम्प्लॉयमेंट हैपेंस ओनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, नहीं, ऐसा नहीं है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, देखो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल मिलता है कि हाँ खेती में अधिकतर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी होता है, दूसरे एरियाज में भी देखने को मिलता है। दूसरे एरियाज में कहाँ देखने को मिलता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो दूसरे एरियाज में, अगर दूसरे सेक्टर्स में अंडर एम्प्लॉयमेंट देखोगे आप, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जो कैजुअल लेबर्स रहते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं रोड पे, मान लो कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं काम कर रहे हैं इस तरह से, तो वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी जब तक सीजनल वर्कर्स भी होते हैं, जो सीजनल वर्कर्स मतलब क्या है
कि एक सीजन आएगा भी, विंटर्स आएगा, तो विंटर्स में वो क्या करने लगेंगे, विंटर्स में वो कुछ गर्म पकौड़े वगैरह बेच लेंगे, ठीक है, फिर समर्स आएंगे तो उसमें आइसक्रीम वगैरह बेच लेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं इस तरह से जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सीजन तक काम रहेगा उसके पास में, बाकी के टाइम पे क्या होगा, खाली बैठे रहेंगे। तो वो भी एक तरह से सीजनली अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, और स्पेसिफिक टर्म्स में जैसे नाइन्थ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, सीजनली अनएम्प्लॉयड है। सीजनली अनएम्प्लॉयड होने के साथ साथ में वो और बेहतर भी कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इस सेंस में वो भी अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा दूसरे एरियाज में भी हमें क्या देखने को मिलता है, दूसरे एरियाज में भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो रहता है, ठीक है, या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो रहता है वो देखने को मिलता है। क्लियर है? अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये सबसे फेवरेट सवाल आता है। क्या कि आपने देख लिया अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, छुपा हुआ एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों को दिख भी नहीं रहा है, तो अब सवाल यह आता है कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया कैसे जाए, हाउ टू क्रिएट मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। अब इसको हम लक्ष्मी की स्टोरी से ही रिलेट करते हैं, लक्ष्मी की कंडीशन से हम देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे काम बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि लक्ष्मी के पास जो फील्ड है वो कितनी है, 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है, वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। अब जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे क्या किया जा सकता है, वहां पे पानी दे दो, ठीक है। अगर आप पानी पहुंचा देते हो आप लक्ष्मी के खेत तक, तो क्या होगा कि पहले 5 लोग बिना पानी के खेत में साल भर परेशान होते रहते थे, अब लेकिन पानी रहेगा तो लेबर एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको ज्यादा लोग चाहिए रहेंगे पानी फेरने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो वहां पे इरिगेशन से क्या होगा, इरिगेशन से काम स्टार्ट होगा। अब इरिगेशन ऐसा तो नहीं है पानी इंद्रदेव से प्रार्थना करोगे ऊपर से एक धार आ जाएगी आपके खेत में, पानी के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ट्यूब वेल या फिर वेल वगैरह कुछ लगवाना होगा, तो उसमें भी पैसा लगेगा, तो आप बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपको लोन देगी और उस लोन से आप क्या कर सकते हो, अपने खेत को इरिगेटेड कर सकती है लक्ष्मी, ठीक। फिर अगली चीज क्या है कि गवर्नमेंट अगर डैम कंस्ट्रक्ट कर देती है वहां पे, लक्ष्मी के गांव के आसपास गवर्नमेंट डैम कंस्ट्रक्ट कर देती है, तो सबसे पहली चीज तो डैम कंस्ट्रक्शन में लोगों को काम मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, फिर बहुत सारे लक्ष्मी की तरह जो छोटे छोटे किसान है उन्हें पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था उससे ऊपर आ सकते हैं लोग, ठीक है, अब वो रियल सेंस में काम करते हुए दिखेंगे, ये फायदा है, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन एक देखो अब क्या होगा, जब खेती हो पानी मिलेगा, पानी से अच्छी खेती होगी, खूब बम्पर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो उस प्रोडक्शन को बेचने के लिए आपको क्या करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कुछ बेचोगे नहीं, लेकिन अब प्रोडक्शन होगा तो आप बेचोगे, अब जब बेचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है कि रोबोट चलाएंगे कार, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या लगेंगे, लोग चलेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टिंग एक्सेस प्रोडक्शन, ठीक है, जो एक्सेस प्रोडक्शन हुआ उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। अब देखो क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ तो आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं करोगे, आपको स्टोर भी करना होगा उसको, पूरी लक्ष्मी की कहानी से जुड़ गई कहानी, ठीक है। अब आप उसको स्टोर भी करोगे जब, तो स्टोर करने के लिए वही वाली बात है, जेब में तो डालेंगे नहीं हम, हमें क्या बनाना होगा, वेयर हाउसेस बनाना होगा, वेयर हाउसेस में गार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो बनाएगा उसे पैसा मिलेगा, तो स्टोरेज से भी क्या क्रिएट होगा, स्टोरेज से भी क्रिएट होगा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब और देखो क्या है, लोन्स, अब अगर बैंक क्या करती है, सस्ते दामों पर, सस्ती कीमतों पर लोन अवेल करवा देती है, बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल रेट। क्या होता है अधिकतर जैसे स्मॉल फार्मर रहते, तो वो अभी हम मनी एंड क्रेडिट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी लोन के ऊपर। तो लोन के लिए अधिकतर क्या होता है, स्मॉल फार्मर जो है तो वो मनी लेंडर्स वगैरह के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, मनी लेंडर्स उन्हें एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो बैंक वहां पे आ जाती है, तो बैंक में भी छोटी मोटी जॉब्स मिल जाया करेंगी लोगों को, उसके साथ साथ में जब बैंक पैसे देगी तो उस पैसे से क्या होगा, उस पैसे से फॉर हर जो बैंक से लोन मिला है, तो उस लोन से लक्ष्मी क्या कर सकती है, लक्ष्मी की तरह जितने भी फार्मर्स रहते हैं तो उनकी जो दूसरी नीड्स रहती है, ठीक है, छोटी मोटी जो नीड्स रहती है जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें जिसके लिए वो मनी लेंडर के पास जाया करती थी, तो अब वहां नहीं जाएंगी, वो वहां से बच जाएंगी, ठीक है, तो डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगी, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी, पैसा कुछ सेव कर लेगी, हो सकता है पैसा सेव करके वो छोटी मोटी दुकानें डाल लें, ये सारी चीजें। तो अगर आप समझोगे कहानी को, ठीक है, तो आप इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, लोन्स, इन सारी फैसिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, अनदर वे टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, स्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाओ कहां पे, जो सेमी रूरल एरियाज हैं, ठीक है, सेमी रूरल एरियाज मतलब ना पूरी तरह से गांव रह गए ना पूरी तरह से शहर हो गए, वहां पे आप कोल्ड स्टोरेज, मान लो किसी ने बहुत सारे टोमेटोस पोटेटोस प्रोड्यूस किए, अब उसे स्टोर करना है उन चीजों को, तो कोल्ड स्टोरेज बना दो, सेमी स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगा दो इस तरह से, ठीक है। कोई दाल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कोई क्या कह सकते हैं, उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस करी, पल्सेस प्रोड्यूस करी है, उस पल्सेस से आप क्या बना सकते हो, दाल बना सकते हो, तो दाल मिल वगैरह स्टैब्लिश कर दो,
ठीक, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग यूनिट वही चीज है, जैसे टोमेटो बना रहा है कोई तो वहां पे आप एक फैक्ट्री लगा दो, केचप बना के बेचो ना। टोमेटो में आपको 10 रुपए केजी बिक रहा है, आप टोमेटो से केचप बनाओगे और महंगा बिकेगा, किसानों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। तो ये कोल्ड चेन स्टोरेज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट, हनी कलेक्शन सेंटर, ये ऐसी चीजें स्टैब्लिश की जाए, नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि क्या हो, ताकि लोगों को एक तरह से क्या मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है, वर्किंग ऑन द एरियाज वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी टू इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट। अब ये चीज भी बताई गई है, जैसे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे बहुत पॉसिबिलिटी है जॉब क्रिएट करने की, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, टूरिज्म हो गया। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पे आपको, जहां पे आपको, आपके पास चांसेस हैं, जहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी कि आप क्या कर लो, जहां पे आपके पास प्रोबेबिलिटी कि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर में आप और टीचर्स को ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी अनएजुकेटेड हैं, उन्हें एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है, हेल्थ, आप हेल्थ सेक्टर पे अगर ध्यान दोगे तो वहां से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। टूरिज्म, टूरिज्म पे अगर ध्यान दोगे तो वहां से डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आपको क्या है, पॉसिबिलिटी कि आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सको। तो ट्रेस करो उनको, रडार के नीचे लाओ उन सेक्टर्स को, और फिर वहां पे क्या करना स्टार्ट करो, जॉब क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है क्या, तो इन तरीकों पर ध्यान दिया है, जी हाँ। तो रिकॉग्नाइजिंग द नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इंप्लीमेंटिंग राइट टू वर्क। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया राइट टू वर्क, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब रिकॉग्नाइजिंग दी नीड टू इंप्लीमेंट दी राइट टू वर्क, लॉ का नाम राइट टू वर्क नहीं है, राइट टू वर्क मतलब ये आपका अधिकार है कि आपके पास काम हो, ठीक है। और इस अधिकार को देने के लिए लॉ, एक लॉ बना था मनरेगा, ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा हो गया। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, 2005 में ये लॉ आया, पहले नरेगा फिर मनरेगा हो गया। अब इस लॉ की खासियत क्या है, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे भी बनता है, एक्सप्लेन नरेगा, ठीक है, या फिर हाउ नरेगा हैज हेल्प दी रूरल पुअर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल पुअर्स के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने में कैसे मदद करता है नरेगा, ये सारी चीजें। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिस लॉ इज गारंटिंग 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दोज हु आर एबल एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज। तो ये उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी कर रहा है, ठीक है, जो जरूरतमंद है, जिन्हें काम की जरूरत है और जो काम कर सकते हैं। कितने दिन का काम दे रहे हैं, 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड आपको 100 दिन काम मिलेगा। अब बोलोगे 100 दिन में कोई कैसे दिन घर चला सकता है अपना, तो भैया पहले से कुछ खुद भी तो कर रहे होंगे, तो जो भी आप कर रहे थे कि जितने भी दिन कर रहे थे, 100 दिन भी कर रहे थे पहले आप, तो वो 100 दिन वो हो गए, 100 दिन गवर्नमेंट दे देगी, कितने हो गए 200, बाकी दिन छुट्टियां भी तो बनाता है इंसान। तो उस तरह से क्या है कि आपको काम मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। ठीक है, अभी तक हमने ये जो सारी चीजें डिस्कस की तो ऐसा तो नहीं कि रातों रात हो जाएगी, लेकिन हाँ ये चीज क्या है, शॉर्ट टर्म में जल्दी स्टार्ट की जा सकती है। ठीक है, और अब क्या होता है, आगे क्या चीज होती है, अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है, इफ गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन टू दी पीपल। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने में फेल हो जाती है तो लोगों को क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, मतलब कि आप अनएम्प्लॉयड थे, गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई, तो आपको पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे काम दे या ना दे। तो ये चीज रहती है, मतलब गवर्नमेंट वैसे तो काम दे ही देती है। ठीक, फिर द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंसेस अंडर द एक्ट। और काम किस तरह के करवाएंगे गवर्नमेंट, ये भी सवाल है, आपसे एरोप्लेन तोड़वाएंगे नहीं मनरेगा में। ठीक है, तो आपको काम ऐसे दिए जाएंगे, द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ काम रहता है, जो कल को जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, जैसे कैनल्स वगैरह बनवाना, नहर बनवाना, तो वहां पे खुदाई वगैरह, ड्राइवर वगैरह इनकी जरूरत होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में कैनल से जुड़ा हुआ काम हो गया, फिर आप कहेंगे तो क्या, ट्री प्लांटेशन, ये सारी चीजें, तो जो जमीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए ऐसे कामों में आपको इंगेज करवाया जाएगा। ठीक, तो ये मनरेगा था, मनरेगा की मदद से क्या किया गया कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक एक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब अगली चीज आती है, डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो हमने अभी इकोनॉमी का सेक्टर देखो, हम क्या देख रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो हमने एक सेक्टर किस बेसिस पे देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेसिस पे। अब दूसरा सेक्टर हम देखते हैं, मतलब इकोनॉमी वही है, आपने पहले सेक्टर्स को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे डिवाइड कर दिया, अब सेक्टर्स को और भी दूसरे क्राइटेरिया पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी होते हैं, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड
एंड अनऑर्गेनाइज. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, इन दोनों चीजों को समझते हैं हम. तो अगर आप स्टोरी ऑफ कांता और कमल को पढ़ते हैं आपकी बुक में, कांता और कमल की क्या कहानी है, ठीक है. तो कांता और कमल की कहानी में आप देखोगे कांता क्या है, एक टीचर है, ठीक. तो उनको एक प्रॉपर क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. वो स्टोरी में नहीं आ रहे हैं हम वो स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कमल को क्या ओवरटाइम काम करना पड़ता है, जिस दिन नहीं जाता है काम पे, शॉप पे काम करता है ना कमल, तो उसे उसकी सैलरी कट जाती है, सारी चीज़ें उसे कभी भी निकाल दिया जाता है, रात में लेट तक काम करना पड़ता है. लेकिन वहीं कांता का ऑफिस आवर फिक्स है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे छुट्टी है, पेड लीव्स मिलती है दिवाली वगैरह पे, उसके पैसे भी नहीं कटते हैं. तो ये कांता का काम करने का प्रोफाइल है और ये कमल के काम करने का प्रोफाइल है. अब अगर हम देखते हैं इस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कहानी जरूर पढ़िएगा आपकी बुक में. अब देखो क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होते हैं दो सेक्टर्स विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क अंडर इट्स सुपरविजन. तो जहां पे गवर्नमेंट की देखरेख होती है जिन सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज सच एज फैक्ट्रीज लॉज, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सारी चीजें. अब क्योंकि गवर्नमेंट के सुपरविजन में, गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं ये सेक्टर, तो उन्हें लॉज फॉलो करना पड़ते हैं, जैसे फैक्ट्री लॉ, मिनिमम वेजेस. तो अब आपको वर्कर, आपके वर्कर्स को आपको मिनिमम वेजेस देना पड़ेंगी, ठीक है. ये हो गया, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. वर्कर्स जो रहते हैं तो वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एंजॉय करते हैं. ऐसा नहीं कि आपको कभी भी निकाल देंगे जॉब पे से. आपको अगर जॉब पे रखा है तो एक लंबे समय तक आपको जॉब पे रखा जाएगा प्रॉपर तरीके से. तो वर्कर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एंजॉय करते हैं. वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. और ऐसा भी नहीं कि काम पे बुलाया चार घंटे के लिए और आठ घंटे तक काम करवा लिया. यहाँ वर्किंग आवर्स भी जो रहते हैं तो आपके फिक्स रहते हैं कि हाँ आपको इतना ही टाइम काम करना है, इतने टाइम काम नहीं करना है, ठीक है. वर्कर्स गेट पेड लीव्स, पेड फॉर ओवरटाइम, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. तो ये सारे फायदे भी होते हैं. वर्कर्स को क्या मिलती है, पेड लीव्स मिलती है, पेड फॉर ओवरटाइम, ओवरटाइम करवा रहे हैं तो उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, पेंशन दी जाती है, ठीक है, अगर रिटायर हो जाते हैं वर्कर्स तो. तो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं कहाँ के, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के. तो आपने ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देख लिया, ये हो गया, ठीक. अब वहीं पे अगर अपोजिट में अनऑर्गेनाइज्ड देखोगे तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो सारे यूनिट जो गवर्नमेंट की कंट्रोल के बाहर हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में सुपरविजन में नहीं आते हैं, तो यहां कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते. होते हैं रूल्स रेगुलेशन, कोई मानता नहीं है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर. अब क्या होता है, जैसे आप कमल की स्टोरी देखेंगे तो कमल क्या कर रहा है, एक शॉप पे काम कर रहा है. कल को अगर शॉपकीपर की ऐसी इच्छा हुई कि यार कमल का शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, कलर आंखों में चुभ गया है, कमल जाओ काम छोड़ के जाओ, तो कमल को जाना पड़ेगा. मतलब इस तरह से आपकी जॉब सिक्योर नहीं है वहां पे. तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है. फिर क्या है, वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड. यहां पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं कहां पे, सॉरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहां पे फिक्स्ड नहीं है ज्यादा समय तक. जैसे मैंने देखा कमल को त्यौहार वगैरह पे ज्यादा काम करना पड़ सकता है, ये सारी चीजें. नो पेड लीव्स, नो प्रोविजन ऑफ ओवरटाइम, ठीक है. ये सर पेड लीव्स गलत है यहाँ पे, तो कोई पेड लीव्स नहीं होती है, कोई ओवरटाइम नहीं मिलता है इन्हें, और उसी के साथ साथ में अगर छुट्टी मारते हैं तो उसका पैसा भी कट जाता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं होता है. तो ये ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड और ये अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स को मैंने आपको एक कंपेरेटिव वे में समझा दिया है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ये आपके सामने है. आया ना समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, और ये तय है कि इस तरह का एक दो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बोर्ड्स का बता रहा हूं मैं आना तय है. तो इस तरह से आप इन चीजों पे कमांड रखिएगा, क्लियर है. इजी टॉपिक छोड़ के सोच के छोड़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है एक बार अच्छे से, क्लियर. अब देखो क्या होता है, आपने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों चीजें देख ली. सवाल ये आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कहां पे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, उन्हें आप बचाओगे कैसे. दिखती बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कभी भी जॉब पे से निकाला जा सकता है, ठीक है, उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती है. तो उन्हें जब कभी भी जॉब पे से निकाला जा सकता है, उन्हें आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो उनका प्रोटेक्शन समझते हैं. तो शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज. अब देखो अधिकतर ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप को भगा रहे हैं. किस तरफ भगा रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर अपने आप को भगा रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ. क्यों, फायदा है ना वहाँ पे आपको. देखो क्या है, मिनिमम वेजेस नहीं देना होगी, आप कभी भी वर्कर्स को निकाल सकते हो अपने यहाँ से, तो उसका फायदा होता है. तो हर एम्प्लॉय क्या सोचता है, ओनर क्या सोचता है, कि मैं गवर्नमेंट के सुपरविजन से, गवर्नमेंट की आंखों से दूर रहूं थोड़ा सा, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी मर्जी चला सकूं, अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकूं. तो शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वाई, मैंने भी बताया, टू इवेट द कंप्लायंसेस विच द गवर्नमेंट इज पुटिंग ओवर द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर जितने भी कंप्लायंसेस गवर्नमेंट डालती है, तो उन कंप्लायंसेस से बचने के लिए, ठीक है. इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसका इंपैक्ट ये होता है कि जब
ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कर जाएंगे, स्किप कर जाएंगे, धीरे से स्लिप कर जाएंगे, तो वहां पे वर्कर्स को ज्यादा सफर करना पड़ेगा। वर्कर्स को कैसे सफर करना पड़ेगा, तो वर्कर्स को बहुत सारे टर्म्स में सफर करना पड़ेगा कि वर्कर्स जो हैं, तो वर्कर्स कभी भी अपनी जॉब खो सकते हैं, उनकी सैलरी कम हो जाती है, ये सारी चीज़ें, तो ये उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं। सवाल ये आता है कि प्रोटेक्ट कैसे करोगे, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, तो वर्कर्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो वर्कर्स को आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, देखो तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों जगह क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखने को मिलेगा आपको। रूरल एरियाज में आप कैसे बचाओगे, अर्बन एरियाज में कैसे बचाओगे वर्कर्स को, तो रूरल एरियाज में जैसे जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, आर्टिशन जैसे वीवर, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, ये सारे लोग क्या है, छोटे छोटे काम कर रहे हो, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एंड दे आर नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड, इन्हें प्रोटेक्शन देना होगा। कैसे, तो दे मस्ट बी सपोर्टेड थ्रू एडवोकेट फैसिलिटी ऑफ फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स। गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं पकड़ पा रही तो गवर्नमेंट इन लोगों की मदद करे, उन्हें टाइमली डिलीवरी दें सीड्स की, एग्रीकल्चरल इनपुट क्रेडिट्स मिले उन्हें, ठीक है, मतलब सस्ते दामों पे लोन वगैरह मिल जाए, स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है गवर्नमेंट, मार्केटिंग आउटलेट्स मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे बेचने के लिए उन्हें क्या दे दें, मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड कर दें, तो ये रूरल एरियाज में इस तरह से गवर्नमेंट बचा सकती है। अर्बन एरियाज में अगर बात करें तो वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर्स, वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अर्बन एरियाज में जैसे इस तरह से ये सारे जो वर्कर्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, रोड पे आपको जैसे जो पिटी शॉपर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक, या फिर हाथ ठेला धकाता हुआ कोई इंसान है, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गए अर्बन एरियाज में। इन्हें कैसे प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम इन प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल। अब मान लो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कैजुअल वर्कर्स हैं, कोई अगर मान लो क्या करता है, कोई छोटा सा धंधा चला रहा है अगरबत्ती बनाने का, ठीक है, तो गवर्नमेंट उन्हें क्या करे, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए, ताकि क्या हो, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल की चिंता नहीं रहे, तो अपने बिजनेस में थोड़ा बेहतर तरीके से ध्यान दे पाए। मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया उसे वही चीज मार्केटिंग आउटलेट्स हो, उनका प्रोडक्ट अच्छे से बिक पाए, इन सारी चीजों पर अगर गवर्नमेंट ध्यान देगी तो जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन दी सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, ऑन दी सोशियो इकोनॉमिक लेवल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट। देखो क्या होता है कि हम देखते हैं अगर कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग धकेले भी जा सकते हैं। अब हमारी सोसाइटी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे। अब इसी कास्ट के बेसिस पे क्या होता है कि जो रूरल एरियाज में अधिकतर खास करके कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है, ठीक है, कोई शेड्यूल कास्ट से आता है, शेड्यूल ट्राइब से आता है, फिर अदर बैकवर्ड कास्ट से आता है, उस इंसान को अपने बिजनेस को ग्रो करने में बिजनेस के सामने जो चैलेंजेस हैं वो तो फेस करना ही पड़ेंगे, उसी के साथ साथ सोसाइटी जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस उनके सामने रख देती कि नहीं नहीं भैया इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, ये तो क्या है, ये तो छोटी जात का इंसान है, इस तरह से बोल देते हैं ना, तो वो सारे चैलेंजेस के आगे भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना होगा, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हो गया। अब अगली चीज जो है लास्ट, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो देख लिया, अब सेक्टर्स जो है तो वो क्या है, ओनरशिप के बेसिस पे भी होते हैं सेक्टर्स। ओनरशिप के बेसिस पे मतलब कुछ हमारी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर है, कुछ हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर है। देखो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा इन जनरल सेक्टर्स इन आर इकोनॉमी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्रोडक्शन के बेसिस पे हो गया, प्रोडक्शन के बेसिस पे तीन सेक्टर हो गए। फिर हमने क्या देखा कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी हमारी इकोनॉमी में एक सेक्टर है, देखा ना यहाँ पे, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर इज ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। अब अगर तीसरा सेक्टर देखें हम, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, ये ओनरशिप के बेसिस पे है। तो देखो पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर आर दो सेक्टर इन विच गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज, जहां पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट सारे असेट्स को ओन करके रखती है, तो वो पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएगा, प्राइवेट ओनर ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, तो यहाँ पे प्राइवेट ओनर ने सब कुछ ओन करके रखा है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर आप पब्लिक सेक्टर का देखोगे तो जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सब गवर्नमेंट का है, ठीक है, और प्राइवेट में अगर आप देखो जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, तो ये टाटा ग्रुप की हो गई, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ठीक है, तो ये अंबानी की हो गई। तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऐसे समझ लो, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट होती है, ठीक। पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, मतलब पब्लिक सेक्टर क्या चाहती है कि वो जनता तक सर्विसेज प्रोवाइड करे, जनता को क्या दे, जनता को जैसे हम देखते हैं रेलवेज क्या है, तो रेलवेज कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बैठी है, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस मोटिव होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर, आप जियो आपको कोई
सर्विस ऐसा नहीं दे रही है कि जियो बोल रही है कि दुनिया में सब आसानी से फ्री से बात कर पाए, पैसा लग रहा है ना, तो उनका मोटिव क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो ये प्रॉफिट मोटिव होता है। आ गया समझ में? पब्लिक मोटिव और यहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है। देर आर सेवरल सेक्टर्स इन विच ओनली गवर्नमेंट इज एबल टू इन्वेस्ट एंड मैनेज। अब यहां पे एक सवाल ये भी आता है, व्हाई? समझना, ये क्वेश्चन बनता है एक कि देर आर वेरियस सेक्टर्स इन आर इकोनॉमी, ठीक, मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रहा हूं पूरे क्वेश्चन का। देर आर वेरियस सेक्टर इन आर इकोनॉमी वेयर बाय इन सम सेक्टर्स ओनली गवर्नमेंट कैन मैनेज ऑपरेट और इन्वेस्ट, नॉट अ प्राइवेट प्लेयर कैन। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर दिस। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे खेल ही नहीं सकता है, कारण बताओ। तो वही कारण समझाते हैं हम आपको, देखो। तो सर्टन थिंग्स आर नीडेड बाय सोसाइटी एज अ होल एंड प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, आप इस चीज को समझना। क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं इकोनॉमी में जो बहुत एसेंशियल होते हैं, नीडेड बाय सोसाइटी एज होल, ठीक है। नीडेड बाय सोसाइटी एज होल में क्या हो गया कि सोसाइटी मिलकर सारी चीज लेना चाहती है, जैसे हम कहें कि हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, सब्सिडाइज्ड रेट पे, जैसे आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे आपको बहुत नॉमिनल फी में क्या कर रही है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। 10 रुपए में आपको क्या हो रहा है, इलाज हो जा रहा है। आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ तो 10 रुपए में वो आपको अंदर नहीं घुसने देंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट सोसाइटी एज ए होल इंजॉय करना चाहती है। देखो ये एग्जांपल से नीचे कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल और भी है बहुत सारे। तो यहां पे आपको समझने वाली चीज क्या है कि जब जनता एक साथ कुछ सर्विसेज चाहती है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर वो आपको रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी यहां पे भी एक एग्जांपल है, ऊपर भी एग्जांपल मिल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी आपको प्राइवेट प्लेयर सस्ते दामों पे नहीं देगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वहां पे रीजनेबल कॉस्ट पे चीजें मिल पाए, इसके लिए रीजनेबल कॉस्ट पे बेचना है। अब चाहे गवर्नमेंट लॉस इनकर करके बेचे, लेकिन गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी उसमें, ठीक है। फिर फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। अगर गवर्नमेंट, अब देखो यहां पे एक चीज और है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती है, जैसे रोड बना दिया, अब रोड बना दिया तो वहां से पैसे कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कितने कितने लोगों से लोगे, और ये काम गवर्नमेंट ही संभाल सकती है। डैम बना दिया, तो डैम आप बनाओगे 50 साल तक तो बनता ही रहेगा और उसमें कोई पैसा नहीं है, तो ऐसे कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज रहते हैं जो गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट करेगी जहां पे। फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। वही इलेक्ट्रिसिटी अगर डैम नहीं बनेगी और सस्ते दामों पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा देश में। तो कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। पीडीएस, गवर्नमेंट 20 रुपए में गेहूं खरीद रही है, 2 रुपए में बेच रही है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो गरीबों को खाना नहीं मिलेगा। तो कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की जरूरत जरूर होती है। सम एक्टिविटीज आर दी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस। और यहां पे वही बोला गया कि सेवरल सेक्टर्स इन विच ओनली गवर्नमेंट इज एबल टू इन्वेस्ट एंड मैनेज। तो कुछ तो बेसिक नेसेसिटी हो जाती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, और यहां पे गवर्नमेंट को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई और इन्वेस्ट करेगा नहीं, क्योंकि घाटा खा के कोई भी प्रॉफिट थोड़ी ना करेगा। वही चीज, ये सर्विस मोटिव होता है पब्लिक सेक्टर का और इनका प्राइवेट मोटिव। कंक्लूड आपको ऐसा करना है, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, इकोनॉमिक्स का चैप्टर, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट होता है। इसे हमने एक ही वीडियो लेक्चर में रिवाइज कर लिया है। इन डिटेल अगर आपको सारी चीजें समझना है तो आपको चैनल पर सारी चीजें मिली जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको टॉपिक वाइज चीजें भी मिल जाएगी, ताकि और इनडेप्थ क्लियरिटी आ जाए। लेकिन फाइनल टचअप के लिए आपको एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से एक बार पूरा रिवाइज करने के लिए ये वीडियो लेक्चर फ्रूटफुल साबित होगा। इसी प्रकार से और सारे वीडियो लेक्चर, सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स हमें आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लस पर मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स प्लस से जुड़ी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। थैंक यू वेरी मच।